एक वक्त था जब चीन की आबादी सबसे ज्यादा थी, फिर इसे रोकने के लिए साल 1980 से लेकर साल 2015 तक वहां वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी। मगर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है, चीन का जोर अब आबादी बढ़ाने पर है। लेकिन क्यों? दरअसल साल 2017 के बाद चीन में जन्म दर कम हो गया। साल 2022 में चीन की आबादी में 8.5 लाख की कमी आई। वहां शादियां भी कम हो रही हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए चीन अब आबादी बढ़ाना चाहता है, मगर कैसे? चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सरकार ने बीजिंग समेत 20 शहरों में नया युग नाम का एक नया प्रोजेक्ट किया है। उसके तहत सरकार युवाओं को सही उम्र में शादी करने, सही उम्र में बच्चा पैदा करने के लिए लुभाने की कोशिश करेगी। ये है आंकड़े। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड पॉपुलेशन पर एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसके मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख है और चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है।